जब ये मूवी मैं देखने गया, इसका पहला शो 11 मार्च को ही यहाँ पर दो थिएटर से मेरे शहर के अंदर, और दो थिएटर जो हैं वो एक दूसरे से लगभग 1 या 2 किलोमीटर के दायरे की दूरी में होंगे, जिसमें एक ही थिएटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवी लगी हुई थी, और उसके सिर्फ दो ही शो थे, एक दोपहर का था एक रात का था। लेकिन जब ये अपना पहला दिन कंप्लीट करती है, लोगों के रिएक्शन आते हैं, लोग बताते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को इसमें मारते हुए दिखाया गया है, असली सच इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, लोगों के रिएक्शन आते हैं, ये मूवी हिट होती है। दूसरे थिएटर में जहां पर ये मूवी नहीं लगी हुई थी, वहां पर भी मूवी लगानी पड़ जाती है। राधे श्याम मूवी जहां पर दोनों थिएटर के अंदर फुल ऑन इसके शो थे, वहां पर इस मूवी ने राधे श्याम मूवी को टक्कर दे दिया एक तरीके से। राधे श्याम मूवी जिसके अंदर प्रभास जैसे सुपरस्टार थे, जिसके पता नहीं कितनी हजारों स्क्रीनिंग थी, जिस मूवी को यानी द कश्मीर फाइल को सिर्फ और सिर्फ 700 स्क्रीनिंग मिली हुई थी, टक्कर दे डाली। टक्कर छोड़ो यार, सुपड़ा साफ कर दिया एक तरीके से, ऐसे कहूंगा। पहले ही दिन लगभग 3.5 करोड़ इस मूवी ने कमाए हैं, स्क्रीनिंग डबल कर दी गई पहले ही दिन के बाद इस मूवी की। द कश्मीर फाइल जिस मूवी को सो कॉल्ड एक्टर सो कॉल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, रे प्रमोट छोड़ो उन्होंने नाम तक नहीं लिया, वो लिबरल जो भारत के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए प्लैकेट लेकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं, मुझे शर्म आती है कि मैं भारतीय हूं, ऐसे प्लैकेट ऐसे सो कॉल्ड लिबरल लेकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इस मूवी को रत्ती भर भी प्रमोट नहीं किया, लेकिन सच कहें उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लोगों ने इस मूवी को जैसा प्यार दिया है, एक ऑर्गेनिक रीच मिली है इस मूवी को बिना किसी प्रमोशन के, लोगों ने खुद जा जाकर देखा, और ऐसे जाकर देखा है भाई, बैठने तक की जगह नहीं थी थिएटर के अंदर, लोगों ने सीढ़ियों में बैठ बैठ कर इस मूवी को देखा और इतना प्यार दिया, और बताया है कि सच दिखाने वाले के साथ जनता खड़ी होती है। द कश्मीर फाइल मूवी के अंदर दिखाई गई जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी रियलिटी है, पता नहीं हमने कितनी बार वो टीवी पर देखी हुई है, जेएनयू के अंदर जैसे नारे लगाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, ऐसे नारे लगाना जो हम देखते हैं, जो हमने सुना हुआ था टीवी के अंदर, वो सब चीजें इसके अंदर दिखाना एक तरीके से इन लिबरल्स के ऊपर एक तमाचा है मुंह पे कि तुम जैसे जैसे लोग जो हैं वो इस देश के तोड़ने में ही काम आते हो, अपने ही देश में एक ही देश में रहते हुए ये लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ये तमाचा है उन लोगों पर, ये तमाचा है बॉलीवुड के ऊपर भी जो घटिया से घटिया एक तरीके से अपनी प्रोपोगेंडा जैसी मूवीज लेके आते हैं, वो प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर को बर्बाद करने में वो कहीं भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो कश्मीर फाइल में जो एक बात बोली जाती है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि ये झूठ लगने लग जाता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को जैसे मारा गया, मस्जिदों से जैसे नारे लगाए जा रहे थे कि कश्मीरी पंडित अपनी औरतों को छोड़कर कश्मीर छोड़कर निकल जाओ, हम यहां पर नया कश्मीर बनाएंगे उनकी औरतों के साथ, ये सब नारे जब लगाए जा रहे थे तब भी भारत की जनता या फिर कहीं कि वो भारत के सरकार जो है वो उस वक्त सो रही थी, किसी ने कोई भी आवाज नहीं सुनी, मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया, ये वो सच दिखाती है ये मूवी। और यहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जब 370 आर्टिकल हटाई जाती है, ये कहते हुए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों की आवाज को यानी कश्मीर के आवाज को दबाया जा रहा है, वहां पर उनके हत्याचार किए जा रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट भी आते हैं, लोग ज्ञान पेलने के लिए यूट्यूब पर आ जाते हैं ज्ञानी बनने के लिए कि अरे 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 देखो यार इन लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है, यहां पर इन लोगों को इंटरनेट नहीं दिया जा रहा। सोचकर देखो इंटरनेट की वो बात कर रहे हैं, 32 साल से वो लोग जिनको अपने घर से उनको मारकर उनको इनका जिनोसाइड किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर गोलियां तक चला दी गई, उन महिलाओं की उनसे एक बार आवाज उनसे बताया भी नहीं गया कि उनका दर्द, आज भी वो लोग बैठे हैं, वो वापस नहीं गए हैं, वो आज भी इंसाफ के लिए बैठे हैं, लेकिन नहीं, ये ट्वीट करेंगे, ये वीडियो ऐसी बनाएंगे जिनके ऊपर ये बोलेंगे अरे ट्वीट इनको इंटरनेट नहीं दिया जा रहा है, ये बेचारे काम कैसे करेंगे, इनको इंटरनेट की पड़ी है। और ये लोग जब ये मूवी रिलीज होते हैं तो ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि अरे इतनी नफरत दिखाने की क्या जरूरत थी, इतना वॉयलेंस दिखाने की क्या जरूरत थी, एक प्यार वाली शांति वाली भी तो मूवी बना सकते थे। ये हैं वो लिबरल जो कहीं ना कहीं इनका माइंड वॉश, यार कहें यार माइंड वॉश छोड़ो यार, जो अपना अपनी आत्मा तक बेच चुके हैं पैसों के लिए, जो एक तरीके से देश के भारत के होते हुए भी भारत को वो तोड़ने तक की बात कर लेते हैं, इनके कहने का मतलब, इनके ट्वीट को अगर आप समझो ना, तो ये कह रहे हैं कि भूल जाओ यार जो कश्मीरी पंडित मरे थे, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, भूलो मिट्टी पाओ, लेकिन हाँ अब अगर सेक्युलर इंडिया के अंदर कुछ होगा तो हम जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, हिंदू के लिए तो हम नहीं बोलने वाले। मैंने अपनी लाइफ में तो भारत के कोई मूवी देखी नहीं भाई साहब जिसको आईएमडीबी के ऊपर 10 में से 10 स्टार मिले हों, जिसके ऊपर लगभग 62,000 लोगों ने अब तक रेटिंग कर चुके हैं और इसकी रेटिंग टूटने का नाम नहीं ले रही है, 10 से नीचे नहीं आई है। जिस मूवी को दबाने की कोशिश की गई, जिस मूवी को स्क्रीनिंग नहीं दी गई, यह मूवी उतनी ही जोर से बाहर आई, ट्विटर के ऊपर इस मूवी का अभी तक ट्रेंडिंग में चल रही है,
एक जो इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर एक महिला इसके बारे में लिखती हुई 5 में से इसको 1.5 स्टार दे देती हैं और कहती हैं कि प्रोपोगेंडा वाली मूवी है, शायद इनको दूसरी प्रोपोगेंडा वाली मूवीज नहीं दिखती हैं, हैदर जैसी मूवी या फिर मिशन कश्मीर वाली मूवी जिसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई किया दिया जाता है कि अरे कोई ना यार, कश्मीरी पंडित मरे तो क्या हुआ, और जो सच दिखाता है सच में जनता उसको सर आंखों पे बिठाती है। और इस मूवी में जो सच दिखाया गया उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, और इसके लिए जो इस मूवी के मेकर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, जैसे उनको सम्मान दिया गया वाकई में वो काबिलियत तारीफ है। लोगों ने पैर छुए हैं, थिएटर से जब बाहर निकल रहे थे आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। बगैर कोई नहीं कर सकता था, जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छून लूं, आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सबने देखा, मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा, पानी से पानी को आप हमारे लिए भगवान ने लिए बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ, तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरे बेटा, बहुत आशीर्वाद हो, मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मार, अब हमारे भगवान हो। इस मूवी को देखने के बाद एक चीज़ जो मुझे याद आई, शिकारा मूवी को जो मैंने देखा था और उस मूवी के ऊपर जब मैंने ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन देखे थे तो वहाँ पर एक वीडियो जो मैंने देखी थी कि एक महिला उस मेकर्स को, जो विनू विनोद चोपड़ा जिसको इतना ज़्यादा सुनाया गया था कि भाई तुझे शर्म नहीं आती, तूने इतनी गलत चीज़ें इस मूवी के अंदर यानी शिकारा मूवी के अंदर दिखा दी, वहाँ पर लोग रो रहे थे इसलिए क्योंकि उनके दुख को नहीं दिखाया गया, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद लोग रोए, लेकिन इस बार इसलिए रोए क्योंकि उनके दुख को दिखाया गया, असली जो उनके ऊपर यातनाएं जो की गई, मारा गया महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को मार दिया गया, उनकी कोख में बच्चा था यार, वो बच्चा मर गया यार। एक तरफ जहां पर कश्मीरी पंडित सिर्फ और सिर्फ वो एक रिफ्यूजी बनकर रह जाते हैं अपने ही देश के अंदर, और एक तरफ जहां पर ये दिखाया जाता है कि जो कश्मीर में जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं आर्मी के ऊपर वो इसलिए क्योंकि सरकार उनको दबा रही है, वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे क्योंकि उन बेचारों को दबाया गया है। यहां पर बड़े ही एक जो जवाब इसमें दिया गया है कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई, वो बड़े बेचारे हो गए जिन्होंने बंदूकें उठा ली, वहां पर तो उनको डिफेंड करने के लिए लोग आ जाते हैं, लोग वहां पर वीडियोस बनाने लग जाते हैं, लोग वहां पर इन्फ्लुएंसर आते हैं, ये कहते हुए कि अरे अगर एक इंसान जिसको अगर आप जेल में डाल दोगे तो उसका बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वाह भाई वाह, उस चीज को तो डिफेंड करने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ बोलने के लिए कोई नहीं आ रहा, वो इन्फ्लुएंसर, वो सो कॉल्ड लिबरल्स, वो तो यहां पर नहीं आए। मैंने विवेक अग्निहोत्री जी के काफी सारे इंटरव्यू सुने, उन्होंने जब बताया कि ये मूवी जो बनाने के लिए उनको 4 साल लग गए, और इवन वो कहते हैं कि अगर इस मूवी के अंदर कुछ भी आपको फेक लगता है तो उनसे, मुझसे मतलब कि विवेक अग्निहोत्री जी से बात करिए, वो इस चीज का प्रूफ देंगे, जाकर बकायदा उन्होंने लोगों से बात की है, 4 साल कम नहीं होते एक मूवी के ऊपर रिसर्च करके उसको बना के आपको रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ ये कहना कि मैं यहां पर आप लोगों को प्रूफ देने के लिए भी बैठा हूं, यानी इसमें जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो जांच पड़ताल करके इस मूवी के अंदर डाला गया है, और इवन उन्होंने कहा भी था कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई गई हैं, 7 सीन तो इस मूवी के अंदर कट कर दिए गए थे, जैसे JNU का नाम बदलकर ANU कर दिया गया है, और क्या मिलता है सच दिखाने के लिए, मिलता है आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाएगा, विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ जो फतवा जारी कर दिया जाता है कि भैया इनको मार दिया जाएगा, वाह कमाल की बात है, मतलब इस देश में कुछ नहीं बोलना, आपको सच नहीं बोलना, सच बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपके खिलाफ फतवा निकाला जाएगा। हम बात करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, हम इस महान संस्कृति के अंदर पैदा हुए, लेकिन इसी संस्कृति के अंदर वो महान लिबरल्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अरे ये क्या झूठ है, क्या बकवास है, मतलब उन लोगों को डीमोटिवेट इतना कर दिया गया अपनी ही संस्कृति के प्रति, वो अपने ऊपर विश्वास करने पर, अपने ही देश के ऊपर विश्वास करने के ऊपर कतराते हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स जिनके अच्छे खासे रिलेशन है ऐसे लोगों के साथ जो आतंकवादियों से कनेक्टेड हैं, कमाल की बात है ना, बॉलीवुड अपनी मूवीज को प्रमोट कराने के लिए JNU चला जाता है जहां पर नारे लगाए गए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसी गैंग में जाकर अपनी मूवी को वो प्रमोट कर रहे होते हैं। JNU जहां पर ऐसे नारे लगते हैं कि हमें आजादी चाहिए, आजादी आजादी के नारे लग जाते हैं,
जब इनसे पूछो कि कैसी आज़ादी चाहिए, भैया कौन सी आज़ादी, तुम्हें किसने कैद कर रखा है, ये आज़ादी शब्द जो मुंह से निकल पा रहा है वो इसलिए क्योंकि तुम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हो। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी जिसके अंदर बॉलीवुड ने अपना एक प्रोपोगंडा फेंका था जिसमें बताया गया कि वैश्यावृत्ति को लीगलाइज किया जाए, मतलब कहा जाए कि भारत में जो महिलाएं हैं वो अपना जो शरीर बेचकर पैसा कमा सकें इसको लीगलाइज कर दीजिए। सोच कर देखो ऐसी चीज़ें कहां पर होती हैं, कौन से देश के अंदर वहां की महिलाएं अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर हो जाएं, जिस देश के हालात बद से बदतर भी हो जाएं ना, शायद भी वो अपने देश अपनी महिलाओं को कहेगा कि जाओ अपना शरीर बेच लो, और वहां पर बॉलीवुड कहते हैं कि वैश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दो। वो प्रोपोगंडा वाली मूवीज जिसको प्रमोट किया जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं अरे इस मूवी में तो वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं के लिए आवाज उठाई गई है, अब एक घंटा आवाज उठाई गई है, ये क्यों नहीं बोल देते भैया वो महिलाएं हैं जिनको इस दलदल में घुसेड़ा गया, उनसे बाहर निकालो, उनको अच्छी लाइफ दो, लेकिन उनसे वो नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो तो बॉलीवुड को चाटने में लगे हुए हैं। कश्मीर फाइल सच में बॉलीवुड के या फिर उन इंटायर लोगों के ऊपर एक अच्छा खासा तमाचा जड़ती है जो लिबरल की बात करते हैं और अपने लिबरल के अंदर एक घटिया प्रोपोगंडा, एक घटिया आइडियोलॉजी लोगों को पेश कर देते हैं। कश्मीर फाइल के लास्ट के अंदर जो दर्शन कुमार जी का उद्भाषण आता है 20-25 मिनट का, सच में वो इतना जबरदस्त है, जिसके अंदर कश्मीरी की जो बताई गई थी कि उनका एक्सोडस कब हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था और ये कौन सा है और हम कौन सा करके बैठे हैं जो हमारे दिल और दिमाग से उनकी सारी बातों को भुला दिया गया है, वो चीजें कहने का तो मन है लेकिन मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा। जब आप ये थिएटर में जाके देखेंगे तो सच में आपको यकीन होगा ये मूवी एक हकीकत है और जागने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है, एक आइडियोलॉजी आप पहचाने कि बॉलीवुड किस तरीके की आइडियोलॉजी आप लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो विचारधारा ये लेकर बैठा हुआ है, एक घटिया होप आप लोगों को देता है जहां पर आप लोगों को कुछ भी ना करने की, पता नहीं अजीबो गरीब मूवीज इसके अंदर वो बॉलीवुड बना के दे देता है जहां पर जिसको कोई सर पैर नहीं होता कहानी का अपनी, लेकिन हाँ अपनी आइडियोलॉजी जरूर घुसेड़ देगा आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। गुस्सा आएगा ऐसे इंसान पर जिसने काफी सारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वो खुद ये बात बोलता है और उसको टॉप मोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वाइट किया जाता है, मतलब ये उस वक्त जब 1990 में इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मारकर उनको भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन जैसों को भारत में बुलाकर इनवाइट किया जाता है, उनसे हाथ मिलाया जाता है, कमाल की बात है ना, ये सब चीज़ें हो रही थी और आज तक 32 साल हो गए उन लोगों को मतलब इंसाफ तक नहीं मिला। बहुत करारा तमाचा है ये मूवी हर एक सेक्शन के ऊपर, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जिसके अंदर होम मिनिस्टर दिखाए जाते हैं जिसमें कहते हैं अरे ये जब अपने घर से बाहर आए हैं तो क्या हुआ, इनके वातावरण शायद बाहर का सूट नहीं कर रहे तो मरेंगे ही, आए नहीं उनको भगाया गया है, उनको मारा गया है। नो डाउट आप लोग इस मूवी को देखकर सहन रह जाओगे जो इसके अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है अब क्या, सच आपके सामने आ गया लेकिन अब क्या, क्या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल पाएगा, क्या वो वापस लौट पाएंगे, अगर वापस लौट भी पाएंगे तो क्या वो सुरक्षित महसूस कर भी पाएंगे, ये सवाल तो हमारे सामने अभी भी खड़े ही हैं। बाकी मूवी की परफॉर्मेंस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, अनुपम खेर सर ने जैसे इसमें परफॉर्मेंस दिया या फिर उनका एक वीडियो जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी कि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये रियल है जो उन्होंने निभाया है और वास्तव में दिल क्या मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हर एक एक्टर ने सब ने बहुत बढ़िया दी है, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव या फिर जिस तरीके का उन्होंने रोल प्ले किया सब ने बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। डेफिनेटली कहूँगा ये मूवी जाकर आप देखो, कोई स्टार की बात नहीं है कि इसको 10 में से 10 दें या फिर ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये बहुत परे की बात है यार, ये कोई स्टार मतलब ये कोई रेटिंग की भूखी नहीं है मूवी, बहुत अलग है मूवी, तो ना ही कहो इसको बेटर रहेगा कि सच्ची है जो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सच हमसे छुपाया गया था इतने सालों तक। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जाकर ये मूवी देखें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।